बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ इस इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में बिलखसूस बलूचिस्तान में बदतरीन धांधली हुई है, बदतरीन धांधली। पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे कैंडिडेट्स को जो ना आरओ साहब जो ना विनिंग कैंडिडेट का जो ना नोटिफिकेशन दे रहा है, सारे लोग यहाँ पे आरओ के और डीआरओ के दफ्तर के सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। तो ये तो फिर आप ये ड्रामा रचाए नहीं, आप ये इलेक्शन का ड्रामा रचाए नहीं, आप इसको क्लोज कर दें बस। उसी तरह जिसको आपने डिक्लेयर करना है आप उधर से घरों से डिक्लेयर करें। एक तो मुल्क में अमन अमान बर्बाद है, तबाह है। लोग इस हालत में, इस कंडीशन में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ग्रेनेड फट रहे हैं, उसके बावजूद लोग पोलिंग पे आके जो ना अपनी जानों का परवाह किए बगैर आके वोट डाल रहे हैं और रिजल्ट फिर इस तरह के निकाल रहे हैं। तो फिर इस पाकिस्तानी कौम को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, इसको फिर तबाह क्यों कर रहे हैं, फिर ये ड्रामा क्यों रचा रहे हैं? तो खुदा रहा इस ड्रामे को बंद करें, बस डिक्लेयर करें। यहाँ पे मार्शाला लगाते हैं, मार्शाला बेशक लगा दें, वो मार्शाला हमारे लिए बेहतर है। कम अज़ कम पता है कि यहाँ पे एक निज़ाम बैठा हुआ है, उस मुल्क को चला रहा है, जिस तरह उस पर मुँह पे कालक बन रहा है, जो कर रहा है कर रहा है। लेकिन ये अवाम, पाकिस्तानी अवाम के जो मुँह पे कालक मला है, इन्होंने रिजल्ट को चेंज कर एक हल्के के नहीं कई हल्कों के, आज ये तामद जीत चुका है, 3,500 की लीड से जीत चुका है। सेकंड को नहीं, थर्ड को नहीं, फोर्थ को पता नहीं, फिफ्थ को उठा के जो ना उन्होंने आज नोटिफिकेशन दिया है। तो इससे बदतरीन फैसला क्या हो सकता है, इससे बदतरीन जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या हो सकता है? इसका मकसद, इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही है कि आप हमारे हाथ में हो, जिस तरह हम चाहेंगे हम उस तरह उसको चीज़ों को घुमाएंगे, बटन को घुमाएंगे, जिस तरह हम चाहेंगे उसी तरह होगा। आप जितनी जमहूरियत के नारे लगाएं, आप जितने कहें कि अवाम में हमारी जड़ें मजबूत है, वो सब खोखली हैं, कुछ भी नहीं। अवाम कुछ सबसे, इस मुल्क में सबसे कम अहमियत चीज़ जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम है। एमएलए भी हम जा रहे हैं, यकीनन पार्टी है, पार्टी का फैसला है। आज साहब वाले हम अभी जाके बैठेंगे, इस पर हम अपना लायमल तय करेंगे, हम इस पर शदीद रद्द अमल देंगे पार्टी की तरफ से।